15.4 दबाव समूह। आइए एक घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें। 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी। उस जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते आ रहे थे। कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था, लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसे यथास्थिति बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद जमीन गाँव वासियों को न मिलने पर 1987 में कुनसूर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू किया गया। इस आंदोलन का नाम था किटिको हच्चिको, अर्थात उखाड़ो तथा रोपो। और इस तरह से उस जमीन पर ग्रामवासियों ने नीलगिरी के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया और वहां पर ऐसे पेड़ लगाए जो कि ग्रामवासियों के लिए ज्यादा उपयोगी थे। इसके बाद आंदोलनकारियों ने बहुत सारे विधायकों को अपनी बातें समझाने की कोशिश की और इसके बाद लगभग 70 विधायकों ने सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाया। अंत में किसानों की बातें सरकार को माननी पड़ी और उन्हें अपनी नीति को वापस लेना पड़ा तथा इस कंपनी को बंद कर देना पड़ा। तो बच्चों, आपने देखा कि किसानों तथा बुद्धिजीवियों के समूह ने कर्नाटक सरकार पर एक दबाव बनाया तथा उन्हें अपना निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विभिन्न वर्गों के वर्ग विशेष के हितों के ऊपर कार्य करते हैं तथा इसके लिए वो ज्ञापन देने या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जैसे संवैधानिक कार्यों के साथ ही साथ प्रदर्शन, हड़ताल आदि कार्य भी करते हैं। बच्चों, इस प्रकार आंदोलन करना एक दबाव समूह है। इसी प्रकार और भी कई दबाव समूह होते हैं और कुछ तो एक निश्चित नियमित संगठन का रूप ले लेते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यह विभिन्न व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों का एक संगठन है जो सरकार से इनके अनुरूप नीतियां बनवाने तथा इनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। कुछ विशेष समुदाय या विशेष व्यवसाय से जुड़े लोग भी अपना संगठन बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टरों का संगठन, वकीलों का संगठन। इसी प्रकार कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समूह के हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर सरकार पर दबाव डालते हैं और इसके लिए ये पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा हमारे देश के अफसरों, मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। और बच्चों, हमारे देश की जो नीति निर्धारण समितियां होती हैं उन समितियों में भी इनके प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश में दबाव समूह एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बच्चों, अभी एक प्रश्न उठता है कि क्या दबाव समूह और राजनैतिक दल दोनों आपस में समान हैं? क्योंकि राजनैतिक दल भी तो लोगों का समूह होता है और सरकार के ऊपर दबाव डालता है। लेकिन नहीं बच्चों, राजनीतिक दल और दबाव समूह इस बात से भिन्न हैं कि राजनैतिक दल का उद्देश्य जहां सत्ता प्राप्त करना होता है
वहीं पर दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए दबाव सरकार पर दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना होता है।